दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। बड़ी खबर, जमुई में बड़े वाहनों के प्रवेश पर लगी रोक। दुर्गा पूजा को लेकर जमुई SP ने दिया आदेश, 24 अक्टूबर तक रहेगा लागू। जमुई शहर में दुर्गा पूजा में विधि व्यवस्था संधारण, भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और नियंत्रण इत्यादि के लिए पुलिस सजग और मुस्तैद है, और पुलिस अधीक्षक सौरव सुमन के नेतृत्व में जिला पुलिस किसी भी आपराधिक कृत्य के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के तहत सख्त कार्रवाई करेगी। शहर के महत्वपूर्ण स्थानों में महेश्वरी, महाराजगंज, कचहरी चौक, बोधवन तालाब, खैरा पंच मंदिर, अतिथि पैलेस, स्टेडियम इत्यादि पर दंडाधिकारी के साथ सशस्त्र पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में मेडिकल छात्रों को बड़ा झटका। NMC ने MBBS की 860 सीटों पर नामांकन को किया अमान्य। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMC ने राज्य के सरकारी और निजी कॉलेजों में MBBS कोर्स की 860 सीटों पर नामांकन को अमान्य घोषित कर दिया है। उप सचिव पूर्णिमा टूटू ने बताया कि बिहार सहित कई राज्य सत्र 2023-24 में MBBS कोर्स में NEET UG क्वालिफाइड छात्रों का नामांकन निर्धारित अवधि के बाद लिए हैं। 30 सितम्बर के बाद लिए गए छात्रों के नामांकन अमान्य है। नामांकन रद्द करने के लिए संबंधित सेंट्रल एवं राज्य प्राधिकार को कहा गया है। नामांकन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया है। वहीं पर पेंशन धारकों को घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र बनवाने की मिलेगी सुविधा। बिहार के पेंशन धारकों को हर साल जिंदा होने के सबूत के तौर पर वित्तीय संस्थान, बैंक या फिर डाकघर में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। अगर वह जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं तो उन्हें पेंशन मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें मृत मान लिया जाता है। बुजुर्ग होने की वजह से पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र जारी होने और जमा करने के लिए हो रही दिक्कतों को देखते हुए बिहार सरकार ऑनलाइन सुविधा शुरू करने जा रही है। पेंशन धारकों को अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए संबंधित विभाग के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, BPSC TRE रिजल्ट को लेकर उठे सवाल, परिणाम को लेकर छिड़ी है बहस। बता दें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद नई शिक्षा भर्ती के लिए नोटिफिकेशन को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इस पूरे मामले में पूर्व IPS अमिताभ दास ने कहा कि शिक्षक भर्ती रिजल्ट और नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन पर बेबाकी से अपनी बात रखते हुए बाजीगरी बताया। और पूर्व IPS अमिताभ दास ने कहा कि जब शिक्षक रोलबुक बनी थी तो कहा गया था कि 1,70,461 खाली पदों को भरा जाएगा। एक उम्मीद जगी थी कि बहुत से लोगों को रोजगार मिल जाएगा, लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद गड़बड़ घोटाला मामला आ रहा। बिहार सरकार ने जब भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था तो कहा गया था कि एक अभ्यर्थी का एक रिजल्ट होगा, लेकिन अभी कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने प्राथमिक, मध्य और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा पास कर ली है, जो कि तीनों भर्ती परीक्षा पास कर चुके हैं और वह तो किसी एक ही जगह योगदान देंगे और तीनों जगह उनका योगदान देना मुमकिन नहीं है। यानी तीन जगह सिलेक्शन हुआ, एक जगह योगदान देंगे, इसका मतलब तो यह है कि दो पद तो रिक्त हैं। बड़ीखबर, बिहार के किसानों के लिए आ रही खुशखबरी। बता दें कि PM किसान सम्मान निधि योजना को लेकर आ गई है बड़ी अपडेट। 30 नवंबर तक कर लें बड़ा काम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू होने के 4 वर्ष के बाद आयकर दाता एवं नौकरी पेशा किसानों से योजना के तहत जारी की गई राशि वापस वसूल की जाएगी। योजना के तहत किसान को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाते हैं। इस योजना के लाभ से टैक्स देने वाले एवं सरकारी नौकरी करने वाले किसानों को वंचित करने के बाद 31 मार्च 2023 से वसूली की कवायद की जा रही है। कई ऐसे किसान हैं जो कि अपात्र होने के बाद भी योजना का लाभ ले रहे, और सिर्फ मोतिहारी जिले में ही अपात्र किसानों की संख्या 4,37,000 से भी अधिक है। बता दें कि जिले के विभिन्न प्रखंडों में विभाग के द्वारा 14,861 किसानों को पूर्ण रूप से अपात्र पाया गया और इन किसानों से 20,01,72,000 रुपये वसूल किए जाने हैं। मैट्रिक एवं इंटर के 99,000 से अधिक छात्र नहीं दे पाएंगे परीक्षा, KK पाठक का फैसला। सरकारी स्कूल में नामांकन के बाद भी कक्षा में उपस्थित नहीं होने वाले विद्यार्थियों को लेकर KK पाठक का रवैया सख्त होता जा रहा, और पाठक के सख्त रवैये के कारण तिरहुत प्रमंडल के 99,000 से अधिक छात्र मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की 2024 की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। KK पाठक इन बच्चों पर किसी तरह की मेहरबानी करने के मूड में नहीं है। मैट्रिक एवं इंटर की होने वाली परीक्षा में उन्हें शामिल नहीं करने का आदेश दे दिया गया है। विभाग के फैसले के बाद इस तरह के छात्रों की बेचैनियां बढ़ गई है जो शिक्षक के रहने के बावजूद स्कूल नहीं आते। बिल्कुल, पूर्णिया में रहकर साइबर ठगी करने वाले दक्षिण भारत के बड़े गिरोह का पर्दाफाश। 2 महिला समेत 7 साथी गिरफ्तार। कर्नाटक पुलिस ने पूर्णिया पुलिस की मदद से साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। पूर्णिया शहर के ततमा टोली में किराए के मकान में रहकर साइबर अपराध को अंजाम दे रहे इस गिरोह के 5 पुरुष और 2 महिला सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
साइबर ठगों के यह गिरोह नकली फिंगरप्रिंट और आधार कार्ड के जरिए लोगों के खातों से अब तक लाखों की ठगी कर चुका है। पुलिस अधीक्षक आमिर जावेद ने बदमाशों की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि फिलहाल पुलिस टीम गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ कर रही है और कर्नाटका में बैंक खाता धारकों के रुपए उड़ाए जाने की शिकायत के बाद कर्नाटका पुलिस भागलपुर पहुंची है। बड़ी खबर, बिहार में के पाठक ने फिर से बढ़ाई सख्ती। बिहार में शिक्षा विभाग 270 कॉलेज पर कसेगा नकेल। राज्य के सभी 270 अंगीभूत कॉलेजों पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। हर साल विकास कार्य के नाम पर करीब 500 करोड़ रुपए लेने वाले अंगीभूत कॉलेजों से उनके कामकाज का हिसाब लिया जाएगा। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी है। जांच टीम का हिस्सा शिक्षा सचिव बैद्यनाथ यादव 10 नवंबर से कॉलेजों की स्थिति का जायजा लेने के लिए खुद समीक्षा करेंगे। लेकर खान सर को मिला बिहार केसरी पुरस्कार। बिहार के पहले मुख्यमंत्री एवं बिहार केसरी के नाम से जाने जाने वाले श्री कृष्ण सिंह की 136वीं जयंती है और इस मौके पर प्रदेश के साथ ही देश के मशहूर टीचर खान सर को बिहार केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और अपने इसी अनूठे अंदाज के कारण अक्सर खबरों में रहने वाले खान सर बिहार में शिक्षा क्षेत्र के एक बड़े चेहरे जाने जाते हैं और टेलीविजन शो में खान सर ने अपने छात्रों के संघर्ष की कहानी भी सुनाई और कहा कि UPSC देश का सबसे मुश्किल परीक्षा है और उसमें फीस भी ज्यादा लगता है लेकिन हम सस्ते में पढ़ाते हैं। बड़ी खबर, बिहार में ATS और STF में महिला पुलिसकर्मियों की अभोखी तैनाती। बिहार की महिलाएं अब कमजोर और अबला नहीं रह जाएगी और उनके सभी को बिहार पुलिस तोड़ती हुई नजर आएगी। बता दें कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने फिलहाल बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को डायरेक्ट 112 साइबर यूनिट और सोशल मीडिया सेंटर में बहाल करके रखा है। अब जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली है। अब विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा यानी बॉडीगार्ड और आतंकरोधी दस्ता यानी ATS के साथ ही साथ स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF में भी महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। इसको लेकर विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा। बिल्कुल, DM के आदेश के आगे झुके नीतीश कुमार के विधायक गोपाल मंडल। अस्पताल में हथियार लहराने के सवाल पर काली गलौज करने और हथियार लहराने की बात करने वाले जदयू के विधायक गोपाल मंडल सही जगह पर आ गए और गोपालपुर के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने लाइसेंस स्थगित होने के बाद दुकान में रिवॉल्वर जमा करना पड़ा और अपना हथियार जमा कर दिया है। विधायक DM के आदेश के खिलाफ प्रमंडलीय आयुक्त के यहाँ अपील करेंगे। मायागंज अस्पताल में हाथ में रिवॉल्वर लेकर जाने पर DM ने पुलिस की जांच के आलोक में लाइसेंस को स्थगित करने का आदेश दिया था। विधायक गोपाल मंडल ने बताया कि DM के आदेश पर भागलपुर स्थित एक दुकान में उन्होंने हथियार जमा कर दिया है। DM के आदेश के खिलाफ व दशहरा के बाद प्रमंडलीय आयुक्त के यहाँ अपील करेंगे। बड़ी खबर, राज्य के 20 लाख से अधिक छात्रों का स्कूल से कट गया नाम। एक्शन में शिक्षा विभाग। बिहार में शिक्षा विभाग 20 लाख से अधिक छात्रों का नाम स्कूल से काट चुका है। बिहार के कई जिलों के स्कूलों से नाम काटे जाने वाले छात्रों की तादाद काफी अधिक है। जानकारी के मुताबिक बिहार के स्कूलों से 20,87,063 बच्चों के नाम काट दिए गए। राज्य में पहली से 12वीं कक्षा तक के ये बच्चे जांच में लगातार अनुपस्थित पाए गए और माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इसे लेकर सभी जिलों के DO को निर्देश दिया है। जिला समेत प्रदेश के स्कूलों को लगातार निरीक्षण किया जा रहा और इस क्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी विद्यालय से अनुपस्थित पाए जा रहे। जिलावार नामांकन रद्द कर दिए गए हैं और विद्यालयों की सूची विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। बड़ी राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दावा किया कि 5 राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में BJP की हार पक्की है। ये भी कहा कि भाजपा वाले घबराए हैं, उन्हें हर चीज पर ऐतराज है। तेजस्वी यादव ने BJP और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दोस्ती को लेकर किए गए सवाल पर कहा कि जो बातें गंभीर नहीं है उस पर कोई टिप्पणी करने का मतलब नहीं बनता। कौन क्या कह रहा ये बात अभी से चल रही है क्या? बार बार बताने और कहने के बावजूद इस पर चर्चा हो रही है तो इसका कोई मतलब नहीं है। DC पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए और वहां से वह जापान जाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम जापान के लिए निकलेंगे और जापान जाने से पहले पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात की। बड़ी खबर, राज्य के गया जिले में लोजपा नेता हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी के घर कुर्की जब्ती। सैलून में घुसकर मारी थी गोली। गया में 26 सितंबर को दिनदहाड़े सैलून में घुसकर लोजपा नेता अनवर खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है और फरार हत्याकांड के मुख्य शूटर फोटू खान के घर की कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई DSP राजकिशोर सिंह एवं CO मृत्युंजय कुमार के नेतृत्व में पूरी की गई। कार्रवाई को अंतिम चरण तक पहुंचाने में आमस थाना के अलावा दूसरे थाने की पुलिस भी शामिल थी। लोजपा नेता अनवर खान की हत्या 100 एकड़ जमीन के विवाद को लेकर की गई थी। खास बात यह है कि हत्या के दिन ही शाम के वक्त फोटू खान ने आमस के पुलिसकर्मी को व्हाट्सएप मैसेज भेजकर अपना अपराध कबूल कर लिया था। बड़ीकर, बेतिया में प्रेमी से शादी करने के बाद जब घर वालों ने थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज करवाई तो लड़की ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दिया और पूरी बात बताई।
मामला जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र की है, जहां पर कुछ दिनों पहले जगदीशपुर थाने में एक अपहरण का मामला दर्ज हुआ था। अब लड़की ने कहा कि उसका अपहरण नहीं हुआ है, वह जिससे बचपन से प्यार करती थी उसके साथ है और उसके घर वालों ने झूठा अपहरण का केस किया है। FIR दर्ज होने के बाद लड़की ने वीडियो जारी कर पुलिस से न्याय की मांग की है। बड़ीकर औरंगाबाद के पूर्व सांसद निखिल सिंह के रिश्तेदार की हत्या उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। 28 सितंबर की शाम सोनाली दिव्या सिंह ने प्रेमी कृष्ण प्रसाद के साथ पति का अपहरण किया और उसके बाद दोनों ने गौतम कुमार सिंह की हत्या की। इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने कहा कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर ही पति की हत्या की है। हत्या के बाद पत्नी बिल्कुल नॉर्मल थी, किसी को शक ना हो इसलिए वो नाटक करती रही। पुलिस ने शक के आधार पर पत्नी की गोपनीय तहकीकात की और मामले की तह तक पहुंच गई।